हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भरवा करेला की रेसिपी। करेले के बहुत फ़ायदे होते हैं, तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो वो टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी हो जाएगी। इसे आप फ्रिज में रख कर 2 से 3 दिन खा सकते हैं। तो रेसिपी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। भरवा करेला को बनाने के लिए हमें लेने होंगे 6 करेले, जिसको मैंने बॉयल करके बीच से काट लिया है और अंदर से खोखला कर लिया है, 4 प्याज बारीक कटी हुई, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, करेले के पल्प जिसको मैंने करेले के अंदर से निकाला है, 1 कच्चा आम पिसा हुआ, 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल, 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, बारीक कटे हुए धनिया पत्ता, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 पिंच हींग, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ। सबसे पहले हम करेले के अंदर भरने के लिए मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए गैस ऑन करके कढ़ाई गरम कर लेंगे। कढ़ाई गरम होते ही हम इसमें 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे और इसे गरम होने देंगे। तो अब ये गरम हो गई है। अब हम इसमें 1 पिंच हींग ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून जीरा भी ऐड करेंगे, साथ ही साथ लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी, और फिर इन सब को मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसे 1 से 2 मिनट तक ऐसे फ्राई होने देंगे। अब हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और हल्दी और फिर मिक्स कर लेंगे और हमें इन सब को लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 प्याज बारीक कटी हुई और फिर इसे मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे, या जब तक ये हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम प्याज को फ्राई करेंगे। अब ये प्याज हल्का सा ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसमें बारीक कटी हुई टमाटर ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे टमाटर को प्याज के साथ और इसे सॉफ्ट होने तक चलाते रहेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब ये टमाटर सॉफ्ट हो चुकी है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे करेले का पल्प जिसको मैंने करेले के अंदर से निकाला था, साथ ही साथ इसमें 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे, फिर इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये करेले का पल्प और बीज ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए नहीं तो मत डालिए। मैंने यहाँ पे करेले का सिर्फ सॉफ्ट सॉफ्ट बीज ही यूज़ किया है। तो अब हम इसमें कच्चे आम का पेस्ट डाल लेते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास कच्चा आम ना हो तो आप आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब धनिया पत्ता ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और फिर से इन सब में गरम मसाला पाउडर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, तो हम गैस ऑफ कर लेते हैं। तो अब ये करेले के लिए स्टफिंग तैयार हो गई है, तो इसे अब ठंडा होने के बाद हम करेले में भर देंगे। हम इसे एक बॉल में निकाल देते हैं। तो अब हम स्टफिंग को करेले में भरेंगे। करेले को पहले इस तरह से खोलेंगे और फिर इसके अंदर ये मसाले डाल देंगे लगभग 2 टेबल स्पून, और फिर डालकर इस तरीके से मसाले को दबा देंगे और फिर बंद कर देंगे
और रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना इजी है बनाना। दूसरे करेले को भी इसी तरीके से बनाएंगे। इसे ऐसे खोलकर मसाले फिल कर देंगे। तो इसी तरीके से सारे करेले को भरकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे करेले में भरकर तैयार कर ली है। अब हम ये करेले को फ्राई करेंगे। गैस ऑन करके हम कढ़ाई गरम कर लेंगे और गरम होते ही हम इसमें 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे और इसे गरम होने देंगे। करेले को फ्राई करने में ज़्यादा ऑयल लगते हैं तभी उसका टेस्ट आता है। तो अब ये ऑयल गर्म हो चुकी है। तो अब हम इसमें एक एक करके इस तरीके से करेले को डाल देंगे। धीरे धीरे से हम गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे ताकि ये करेले धीरे धीरे अच्छे से पक जाए। अब इसे कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। अब 2 मिनट हो गई है, हम करेले चेक कर लेते हैं। ये देखिए नीचे साइड से हल्का सा सिक गया है, तो इसे पलट देंगे इस तरीके से और उसी तरीके से दूसरे साइड को भी सेक लेना है। तो अब हम फिर से इसे कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। तो ये देखिए ये साइड भी सिक गया है। तो अब इसे तब तक ऐसे पलट पलट कर सीकेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए हमने करेले को पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक सीख लिया है। तो अब ये बनकर तैयार है। तो हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखिए हमारा भरवा करेला बनकर रेडी है। आप इसे चपाती, पराठे या दाल चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर। बाय बाय।